वेलकम टू रारा। मैं आज एक फेस क्रीम का रिव्यू कर रही हूँ। दिस इज माई करंट फेवरेट। इसे मैं डे टाइम में लगाती हूँ। दिस इज हर्बल लग्जरी वान्या अनार केयर पोमिग्रानेट फेस क्रीम। 45 ग्राम प्रोडक्ट क्वांटिटी है। 995 रुपीज़ की है। 100% वेगन है, क्रुएल्टी फ्री है, केमिकल नहीं है और ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है एंड दिस इज लग्जरी प्रोडक्ट ऑल्सो। तो इस प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ 2 ईयर्स है। दिस इज द क्रीम, यू कैन सी जार पैकेजिंग है, बहुत अच्छी कांच के जार में है ये। और क्योंकि जो वेगन प्रोडक्ट होते हैं 100% वेजिटेरियन केमिकल फ्री, वो आपकी स्किन पर किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। तो इस वक्त मैं नहाने के बाद फेस मिस्ट इस्तेमाल करने के बाद आप देख रहे होंगे थोड़ा थोड़ा पानी जैसा नजर आ रहा होगा, इसके जस्ट बाद ये क्रीम अप्लाई करती हूँ। इससे पहले मैं कौन सा फेस स्क्रब लगाती हूँ उसका रिव्यू मैंने किया है। इसी ब्रांड का अनार स्क्रब है, उसका रिव्यू आप मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं। सो इसके बारे में मैं बता दूँ, पोमिग्रानेट एक्सट्रैक्ट, कोल्ड प्रेस्ड सनफ्लावर ऑयल, रोज वाटर एंड हर्ट ऑफ पोटैटो यूनाइट टुगेदर इन एन आर्टिशन ब्लेंड दैट एक्टिवली टारगेट्स प्री मेच्योर एजिंग, प्रोवाइड्स अ नेचुरल यूवी शील्ड एंड रेंडर कॉम्प्लेक्शंस रेडियंट। हेयर्स हाउ यू कैन इम्प्रूव योर स्किन टेक्स्चर वाइल नरिशिंग एंड मॉइस्चराइजिंग योर स्किन। रिकमेंडेड फॉर नॉर्मल स्किन, नॉर्मल टू ड्राई स्किन, ड्राई एंड कॉम्बिनेशन स्किन, एंड माई स्किन इज कॉम्बिनेशन, इट्स कॉम्प्लिकेटेड वेरी। सो इसको मैं आराम से इस्तेमाल कर रही हूँ और मेरी स्किन पर बहुत अच्छे से काम कर रही है। दोस्तों इसको इस्तेमाल करने के तरीके भी मैं बता दूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरा तरीका नहाने के बाद ही मैं इसको फेस पे अप्लाई कर लेती हूँ डे टाइम में। बट अप्लाई अ स्मॉल अमाउंट ऑफ क्रीम ऑन द मॉइस्ट स्किन ऑफ योर फेस एंड नेक इमीडिएटली आफ्टर योर बाथ। कॉन्फिडेंटली अप्लाई योर मेकअप ओवर दिस लेयर ऑफ प्रोटेक्शन। येस दिस इज ट्रू। इसे आप एज अ मेकअप मॉइस्चराइजर भी इस्तेमाल कर सकते हैं डे टाइम में। इट्स वेरी नाइस और जितनी इसकी क्वालिटीज़ हैं उतनी कम प्रोडक्ट क्वांटिटी इसकी इस्तेमाल होती है और उतने में ये सफिशिएंट काम करती है, सन प्रोटेक्शन देती है। और जो महिलाएं किचन में काम करती हैं, बहुत ज़्यादा धूप में भी नहीं जाती हैं, अपने घर में खाना खुद बनाती हैं लाइक मी, तो उनके लिए ये क्रीम बहुत अच्छी है। आप किचन में अगर जा रहे हो तो आपको फेयरनेस, मॉइस्चराइजिंग, हाइड्रेटिंग सारी प्रॉपर्टीज़ आपको इस क्रीम में मिलेंगी और आपको ये नेचुरली सन प्रोटेक्शन देगी। इसमें SPF नहीं लिखा है लेकिन ये नेचुरली आपको सन प्रोटेक्शन देगी जैसा कि मैंने डिस्क्राइब किया अभी। तो अभी मैं इसको आपको लगा करके दिखाने वाली हूँ एंड एक्ने प्रोन स्किन के लिए मैं नहीं बोलूँगी। इसका टेक्सचर आप देख लो, दिस इज़ द टेक्सचर, बहुत कम लगती है। मैंने इस वक्त ली है ये तो इतनी सफिशेंट है और इसको आप फेस और नेक दोनों पर अप्लाई कर सकते हो एज अ फेस मॉइस्चराइजर। तो इस तरीके से आप अप्लाई कर लीजिए और आपकी स्किन में इतनी इंस्टेंटली हेल्दी लगने लगेगी, आप देख रहे हो इस वक्त। और बहुत ज़्यादा भी नहीं क्रीम थोपनी चाहिए, तो ये देख लीजिए आप। और चेहरे और गर्दन की स्किन को इवन बनाए रखने के लिए आपको जो आप चेहरे पर इस्तेमाल करें, कोई भी मॉइस्चराइज़र, क्रीम, प्राइमर या फिर कोई सर्ज, जैसे कि क्लिनिक मॉइस्चर सर्ज या फिर कोई बहुत ही अच्छा सा फेस सेरम, तो उसको आप अपने नेक पर भी अप्लाई कीजिए, जिससे कि नेक पर कभी भी फाइन लाइंस नहीं आएंगी और वो एकदम खिली खिली और जवान नज़र आएगी, बहुत ज़रूरी होता है। तो ये आपने देखा दोस्तों, मैंने इसे अप्लाई कर लिया है और मेरी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी हो गई है एंड रेडी हो गई है डे टाइम के लिए। और दिन में आपको ऐसा उतने मेकअप की आवश्यकता नहीं होती, बट फिर भी आप चाहो तो इस पर कोई कॉम्पैक्ट लगा लो एंड दैट्स इट, कोई ज़रूरी नहीं है। और अगर आप चाहो तो इस पर BBCC भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आप बाहर जा रहे हो तो आप इस पर फाउंडेशन भी अप्लाई कर सकते हो, बहुत अच्छी एप्लीकेशन आती है और फाउंडेशन का कलर जो है वो बिल्कुल ऑक्सीडाइज नहीं होता है इसकी वजह से एंड बहुत बहुत अच्छा इससे स्किन का जो टेक्स्चर है वो रहता है। और जब आप मेकअप रिमूव करोगे तभी भी आपको पता चलेगा कि एक्चुअली आपकी स्किन पे एक स्किन केयर प्रोडक्ट लगा था, उसके ऊपर आप मेकअप लगा रहे थे, तो आपको मेकअप से कोई नुकसान नहीं होता है, विच इज़ वेरी गुड। तो मैं आपको ये रेकमेंड करूँगी, दिस इज़ माय ऑल टाइम फेवरेट नाउ, यू कैन सी। और मैं वैसे तो डे टाइम में, नाइट टाइम में या फिर जब मेकअप के टाइम पे बहुत कई प्रकार की फेस क्रीम मैं इस्तेमाल करती हूँ, बट दिस इज़ माय फेवरेट बिकॉज बहुत सारे लोगों को हर्बल ही चाहिए होता है,
तो मैं इस क्रीम को आपको रेकमेंड करूंगी। एंड ड्राई स्किन वालों के लिए आप ज़रा इसको ट्राई करके देखिए। अनार जो होता है वो एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ के साथ होता है, तो वो आपकी स्किन को और भी ज़्यादा अच्छा करेगा। और इसकी कंप्लीट रेंज का रिव्यू आप मेरे चैनल पर वन बाय वन चेक कर सकते हैं। इनफैक्ट आप वान्या के, अगर आप इस क्रीम को यूज़ कर रहे हो तो इससे पहले आप फेस स्क्रब करो ही करो, इसका जो आता है अनार वाला, एंड आपको फ़र्क अपने आप पता चल जाएगा। तो दिस इज़ माई रिव्यू एंड माई ओपिनियन इज़ दिस इज़ 5-star प्रोडक्ट एक्चुअली। तो आपको ज़रूर से ये ट्राई करना चाहिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और मेरे अनदर चैनल्स को सब्सक्राइब करें। आप मेरे जो अनदर सोशल अकाउंट्स हैं जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, वहाँ पर मुझे ज़रूर फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखिएगा। और आपने रारा लाइफस्टाइल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय। एंड यस, आप लोग पूछेंगे कि ऑल डे स्टे करती है? जी हाँ, ये आपको ऑल डे मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड कराती है एंड आपकी स्किन को हेल्दी रखती है। बात करें इसके इंग्रेडिएंट की तो इसमें पोमेग्रेनेट है, सोलेनियम है, कोल्ड प्रेस्ड सनफ्लावर ऑयल है, आमंड ऑयल है, एंड इसके अंदर सोडियम बेंजोएट है, सिट्रिक एसिड है, तो बहुत सारे ऐसे जिरेनियम नेचुरल ऑयल है, तो यू नो एलोवेरा लीफ एक्सट्रैक्ट भी है, प्योर एलोवेरा लीफ एक्सट्रैक्ट। तो इसमें कोई हार्मफुल केमिकल नहीं है। आप ज़्यादा यू नो अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप जाकर के वान्या की साइट पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और आप ज़रूर से ये प्रोडक्ट ट्राई कीजिए, फॉर समर्स ड्राई स्किन के लिए बेस्ट है। किसी भी सीजन में ये ड्राई स्किन के लिए, कॉम्बिनेशन स्किन के लिए बहुत अच्छी है।